पाठ सात, वचनम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। पढ़िए और समझिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अजा, अजे, अजह। कन्या, कन्ये, कन्या। माला, माले, माला। गुरु मंत्र में स्त्रीलिंग अकारांत मूल शब्दों से स्त्रीलिंग एक वचन शब्द बनाने के लिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मूल शब्द शब्द रूप, मूल शब्द में लता बालिका, शब्द रूप में लता बालिका। स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द रूप बनाने के लिए इन मूल शब्दों से आ हटाकर ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कल का धन ए बराबर कल के, दो कलियां गायक, धन ए बराबर गायकी बराबर दो गायिकाएं। इन मूल शब्दों से स्त्रीलिंग बहुवचन रूप बनाने के लिए इनमें विसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे बाटका धन बराबर बाटका, बहुत सी फुलवारियां, अजा धन विसर्ग बराबर अजह, बहुत सी बकरियां। छात्र और छात्रा जैसे अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप एक समान होती है। जैसे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, बहुवचन। अकारांत पुल्लिंग में कोकिला छात्रा शिष्य, अकारांत स्त्रीलिंग में कोकिला छात्रा शिष्य, बहुवचन में कोकिला छात्रा शिष्य। अब हम आपको पाठ सात के कुछ उत्तरों को बता रहे हैं। जैसे मौखिक उत्तर में क, कोकिला के तीनों बच्चों के रूप लिखिए, कोकिला, कोकिले, कोकला। खा, दो छात्राओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वि छात्रा। ग, बहुत सी शिक्षिकाओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, शिक्षिका। घ, महिले को हिंदी में क्या कहते हैं, महिला। ळ, लता को हिंदी में क्या कहते हैं, शाखा। इसके बाद सही विकल्प चुनिए। क, तराजू, तुलिका, तुला, तुला, तो इसमें तुला। ख, दो बालिकाएं, नंबर एक में बालिका, बालिके, बालिका, तो बालिके, यह उत्तर सही है। ग, बहुत सी कोयलें, नंबर एक में कोकिले, कोकिलम, कोकिला, तो कोकिला वाला उत्तर सही है। इसके बाद सारणी पूरी करनी है, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में कन्या, द्विवचन में कन्ये, तीन वचन में कन्या। इसी प्रकार खा, नौका, नौके, नौका। वीणा, वीणे, वीणा। कोकिला, कोकिले, कोकिला। कलिका, कलिके, कलिका।